हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम भी आपको बताना चाहते हैं कि अपने दिमाग को तेज करने के लिए कौन कौन से योग आपको करने चाहिए, और साथियों जानना हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको कौन सा योग करना चाहिए, हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा योग करना चाहिए। साथियों, आज के युग में जो स्टूडेंट है उसके लिए सबसे बड़ी आंखों की समस्या है कि वो पढ़ता है, उसके चश्मे लग जाते हैं, उसके नंबर बढ़ते रहते हैं। तो हम इसके लिए भी आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए। इससे पहले हम आज के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, आज का दिन यानी 21 जून, साथियों ये हमारे भारत का सबसे लंबा दिन है। लंबा दिन का मतलब आज की जो अवधि है ये सबसे लंबी अवधि वाला दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, रात अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का जो दिन है ना 21 जून, इसकी सबसे लंबी अवधि वाला दिन है। साथियों, तो आज ही के दिन योग दिवस क्यों मनाया गया? साथियों, आज के दिन योग दिवस इसलिए मनाया गया कि जिस प्रकार 21 जून का दिन सबसे लंबा दिन होता है, उसी प्रकार अगर यदि हम आज के दिन से योग प्रारंभ करेंगे तो हमारे जीवन, योग क्या करता है साथियों, योग हमारे जीवन को, जीवन की आयु को लंबी करता है, यानी हमें दीर्घायु प्रदान करता है योग। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि यदि आप योग नहीं करते और आप 30 साल जियोगे तो योग करने पर आप 60 साल जी सकते हो। साथियों, तो आइए साथियों, ये तो हुई योग के बारे में बात कि योग 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इसके पीछे कारण ये है कि आज 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन होने के कारण ही आज ही के दिन योग किया जाता है, ताकि क्या हमारी उम्र क्या हो, लंबी हो। फिर अब साथियों, हम बात करते हैं कि दिमाग को तेज करने वाले योग। साथियों, ये तो मैंने बता दिया आपको, और आज 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, कि हमारे दिमाग को तेज करने के लिए हमें कौन कौन से योग करने चाहिए। तो साथियों, पहला मैं बताऊंगा आपको भ्रामरी, और दूसरा मैं बताऊंगा अनुलोम विलोम। साथियों, भ्रामरी से ध्यान रखना, भ्रामरी से क्या होता है, भ्रामरी हम करते हैं ना, जिससे हमारे क्या क्या दिमाग में गूंज उत्पन्न होती है। साथियों, और गूंज उत्पन्न होने से क्या होता है, हमारे दिमाग में तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे उत्पन्न होने से दिमाग की जो हमारे सेल्स होते हैं ना, जिन्हें सलकाएं बोलते हैं। साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे अब तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में सबसे ज्यादा सेल्स थी, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर दी और वो इतने प्रसिद्धि प्राप्त की उन्होंने। तो साथियों, हम भ्रामरी करने से हमारे दिमाग में नए नए सेल्स बनते हैं, नए नए सेल्स बनने से क्या होता है, हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है। तो साथियों, चलिए आइए भ्रामरी कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, हमारे दोनों ये हाथ हैं, इन दोनों हाथों को देखो, ये जो अंगुली है ना, ये वाली अंगुली, इसको तो यहाँ पे रख लेना है, और ये तीन अंगुलियां इनसे आंखों को बंद कर लेना है, और ये अंगूठा जो है ना साथियों, इस अंगूठे से कान को बंद कर लेना है, और कान को बंद करके क्या करना है, जैसे भौंरा गूंजता है ना, भौंरा मधुमक्खी की जैसे आवाज आती है ना उसकी, वैसी आवाज निकालनी है आपको। और कम से कम साथियों, ये आपको कितनी बार, देखो मैं तो यहाँ पे एक बार करके बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको कितनी, कम से कम 5 मिनट तक करना है ये। दोस्तों, जो भी मैं आपको दो योग बता रहा हूँ, दोनों योग को आप कंटिन्यू 1-1.5 महीने तक करें, आप निश्चित तौर पर क्या अंतर पाओगे। तो साथियों, भ्रामरी कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये मस्तिष्क, यहाँ पे ध्यान रखना पीनियल ग्रंथि होती है, यहाँ पे पीनियल ग्रंथि, यहाँ पे हमें ये रख लेना है, और ऐसे आंखें को बंद कर लेनी है, और फिर हमारे क्या कर लेना है, फिर हमें ऐसे कान को, इस अंगूठे से कान को बंद कर लेना है। ये मैंने बंद कर लिया साथियों, अब मैं भ्रामरी स्टार्ट कर रहा हूँ। साथियों, सांस को अंदर खींचना है, साथियों ये मैंने भ्रामरी किया, ऐसे भंवरे के जैसी आवाज घूमेगी, जिससे हमारे, ध्यान रखना, मस्तिष्क में इतने गूंज उत्पन्न होगी, इस गूंज से हमारे नए नए सेल्स बनेंगे और हमारा दिमाग काम करेगा। तो आप क्या करोगे, एक तो भ्रामरी कर लोगे, पहला तो मैंने भ्रामरी बता दिया। साथियों, ये मैं निश्चित तौर बता रहा हूँ, यदि आज से आप भ्रामरी प्रारंभ कर दो, और 1-1.5 महीने के अंदर आपके याददाश्त, बार बार हर चीज को आप भूल रहे हो, इसका समाधान आप निश्चित तौर पर पाओगे। अगला जो हम योग करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम। साथियों, अनुलोम विलोम करने का तरीका क्या होता है, पहले तो आप इस मुद्रा में बैठ जाइए, इस मुद्रा को बोलते हैं वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा में बैठ गए हम, अब जैसे वायु मुद्रा में बैठा तो हमारे क्या लेना है, हमें दायां हाथ लेना है, राइट हाथ लेना है, राइट हाथ के अंगूठे को कहाँ पे रखना है साथियों, इस नाक पे रखना है। और देखो, इसे वायु मुद्रा में होनी चाहिए, ये अंगुलियां वायु मुद्रा में होनी चाहिए, ये इस पर होनी चाहिए, और इसको क्या करना है, ये रख दिया मैंने, अब क्या इसको दायां नाक पर रखना है, दायां मतलब राइट नाक पर रखना है, और ये अब मैं किसे, लेफ्ट नाक से सांस को अंदर लेना है, फिर क्या करना है, फिर इस अंगुली से लेफ्ट नाक को बंद करना है, और राइट से क्या करना है, मैं सांस को निकालना है। ये प्रक्रिया कम से कम 5 मिनट तक करने से, ध्यान देना साथियों, आपकी आंखों पर लगा चश्मा उतर जाएगा और आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा। तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं करके बताता हूँ आपको। तो साथियों, सबसे पहले मैंने राइट नाक पर यह अंगूठा लगा दिया, और मैंने लेफ्ट नाक से क्या ली, मैंने सांस ली,
अब साथियों मैं क्या करूंगा, अब सांस को मैं राइट नाक से बाहर निकालूंगा। साथियों ये आपको अनुलोम विलोम भी 5 मिनट तक करना है। इससे साथियों आपका दिमाग इतना तीव्र हो जाएगा कि आप किसी भी चीज को भूल नहीं पाएंगे, और भूल नहीं पाएंगे तो पक्का है कि आपको सारी चीज याद रहेगी, और याद रहेगी तो आप एग्जाम में अवश्य सफलता प्राप्त कर लेंगे। साथियों ये तो मैंने आपको दिमाग को तेज करने वाला बताया, अब साथियों मैं आंखों के लिए बता रहा हूँ। साथियों ध्यान देना, जिस भी स्टूडेंट के आंखों से लेकर किसी प्रकार की समस्या हो ना, तो ये जो मैं योग बता रहा हूँ कम से कम 6 महीने तक करो आप। जो मैं बता रहा हूँ 5 मिनट तक, देखो एक तो अनुलोम विलोम आपको करना है यदि आंखों से समस्या है आपको, तो दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ ना योग अभी बताऊंगा मैं जस्ट इसके बाद में, तो साथियों ये करना और 6 महीने तक करना। यदि आपके आंखों के नंबर चेंज नहीं होते ना तो आप बात करना फिर। साथियों ये परफेक्ट है, प्रयोग किया हुआ है, ये प्रयोग करके हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करना है, देखो ये आपका ये हाथ है, यहाँ से बीच वाले को क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे दबाना है और आंखों को ऐसे करना है। देखो साथ ये दबाते रहना है, आंखों को ऐसे करना है, साथियों आंखों को ऐसे फेरते रहना है, इधर देखना 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 है, ऐसे करता रहना साथियों। और कभी कभी इसको कभी मतलब कि 30 सेकंड इसको, 30 सेकंड इसको दबाना है, 30 सेकंड वापस इसको, 30 सेकंड इसको, और ये साथ में करना ये और आंखों की, देखो मैं कर रहा हूँ इसको देखना आप ध्यान से। तो साथियों ऐसा करने से आपकी आंखों के नंबर निश्चित तौर पर उतर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ साथियों, अभी तक कि कोई इसका आंखों के नंबर कम करने का कोई उपाय नहीं है, कोई किसी प्रकार की दवाई नहीं आई है, लेकिन इस योग को आप 6 महीने लगातार करोगे ना तो निश्चित तौर पर आपके आंखों के नंबर स्थिर हो जाएंगे, या तो स्थिर हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ये दोनों में से होगा, बढ़ तो नहीं सकते, ये तो गारंटी है साथियों। अनुभव है मेरा और प्रयोग मेरे खुद के ऊपर मैंने किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। तो साथियों अब हम करते हैं योगी जोगी करेंगे। योगी जोगी क्या करता है साथियों, योगी जोगी हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, और हर एक स्टूडेंट के लिए ये जरूरी है कि उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर वो रोग से रोगी होकर बीमार हो जाएगा ना तो क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो साथियों अब हम योगी जोगी करेंगे, तो अगली स्टेप हमारी, तो साथियों हमने दिमाग को बढ़ाने के तो देख लिए, दिमाग के बढ़ाने के लिए योग सारे देख लिए, अब हम देख देखो शरीर को तो स्वस्थ रखना है। यदि शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होगा और हम खाट पे जाके सो जाएंगे तो क्या हम पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब मैं आपको एक सबसे सिंपल क्या योग बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। साथियों ये जो मैंने बताया ना, इससे आप कंटिन्यू 8-8 घंटे पढ़ सकते हो साथियों, कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो साथियों इसका नाम है योगी जोगी। योगी जोगी कैसे करते हैं साथियों, ध्यान देना, ऐसे खड़े हो जाना है और कुछ भी नहीं करना, ऐसे खड़े हो जाना है, बस इस हाथ को ऐसे करना, ऐसे करना। देखो ये मैं योगी जोगी कर रहा हूँ साथियों। योगी जोगी करने से क्या होता है, योगी जोगी करने से हमारा शरीर जो रहता है ना, ये पूरी तरह से क्या होता है साथियों, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, कभी हम बीमार नहीं पड़ते हैं, और हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, लगातार पढ़ पाएंगे। साथियों मैं खुद जो है ना ऐसा योगी जोगी कम से कम 10 से 12 मिनट खुद रोज करता हूँ, और मैं दिमाग को बढ़ाने के लिए क्या अनेक प्राणायाम भी करता हूँ। इससे मेरा दिमाग इतना साथियों इतनी चीज़ों को याद कर पाता है, जैसे मैं मनोविज्ञान जैसे विषय को इतनी कम उम्र में कंठस्थ कर लेता हूँ साथियों। तो आप भी क्या करेंगे, आप भी ऐसे योगी जोगी करेंगे, और ये योगी जोगी आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तो आपको करना ही है। यदि आप ज़्यादा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो आपको करना ही है। इससे क्या होगा साथियों, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप बीमार नहीं पड़ोगे। साथियों ध्यान देना, दिन में कम से कम एक बार तो बहुत सारा ज़्यादा पसीना आना चाहिए हमें। साथियों अगर आप मैंने बताए ऐसे योग करते हो तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, आप कभी डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते हो। तो साथियों आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, इस पर हमने योग किया, आपको बताया कि योग का क्या क्या फायदे होते हैं, स्टूडेंट के लिए कौन कौन से योग महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत माता दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।